एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में पूरी दमोह की पुलिस फोर्स के द्वारा विभिन्न शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोग जहां अपराधों से बच सकें वहीं सामाजिक समरसता भी लोगों के बीच कायम हो सके। इसको लेकर के पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद विविध शिविर लगातार लगाए जा रहे हैं। तो वहीं इस बार सामाजिक समरसता के लिए समरसता सम्मेलन का आयोजन भी हट्टा थाना अंतर्गत किया गया, जिसमें स्थानीय थाना प्रभारी सहित पुलिस बल के द्वारा लोगों के बीच पहुंच करके समरसता का संदेश दिया गया, सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस तरह के शिविरों से होने वाले लाभ की जानकारी दी गई। रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। आपका ग्रुप पे कंट्रोल नहीं है सभी सदस्यों पर, तो आप एडमिन से हट जाए, ठीक है जी। जो जानता है वो समझ रहा है बात को। एडमिन यदि आप हैं इसका मतलब आप जिम्मेदार हैं, ठीक। चुनाव का समय आने वाला है, कई तरह के आदमी अपने अपने लाभ के लिए, चुनावी लाभ के लिए आपको उपयोग करें, तो आपको सच्चे नागरिक बन के काम करना है ना। और यदि आप पॉलिटिक्स में तो अच्छे से पॉलिटिक्स करना है। जो देखिए, कई तरह के हम शिविर का आयोजन करते हैं और जो भी लोगों के साथ हम इकट्ठा होकर बात करते हैं उसमें दो तीन मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो साइबर अपराध, दूसरी महिला सुरक्षा, तीसरा लोग गाँव में समरसता की भावना को जगाना और चौथा नशा मुक्ति। ये हमारे चार पांच ऐसे मोटिव हैं जिससे आम आदमी का जीवन प्रभावित होता है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती हैं। यहाँ पे कुछ गांव में इस बात को लेकर विवाद होता है कि रछवाई को लेकर विवाद की स्थितियाँ कुछ संगठन के लोग क्रिएट करते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी गांव में, जहाँ भी हमने पुलिस व्यवस्था उपलब्ध कराई, उस गांव में ऐसा कोई वातावरण हमको देखने को नहीं मिला कि इस गाँव इस दमोह ज़िले में किसी तरह की सामाजिक वैमनस्यता हो। चूँकि फरियादी पक्ष के द्वारा ये बात कही जाती है, इसलिए हम पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। इसी पर्पज़ से हमने तय किया है कि जिन जिन गांवों में इस तरह की चीज़ें पहले घटित हुई हैं और आगे और वर्तमान में रिपोर्ट हुई हैं, उन गांव में लोगों के साथ जाकर पुलिस इंटरेक्ट करेगी, ताकि उस गाँव में भविष्य में इस तरह की चीज़ों में पुलिस को लगाने की ज़रूरत न पड़े। क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों में सामाजिक स्तर पर समाधान बहुत ज़रूरी है और ये कार्यक्रम लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। यह है सरदार पटेल ओवरब्रिज, जो रात के वक्त अंधकार में डूब जाता है। दरकार है सरकार से हमारी, इसे रोशन किया जाए, यही हमारा मुद्दा है।